पकड़ ले चांद को और हम खुश हो जाते थे हमने चांद पकड़ लिया। जब हम बड़े हो गए और हमें दिखने लग गया हमने उस सपने को भूल जाते हैं कि ये सपना तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि समस्याएं आती है और हम चांद को तो भूल गए। जब चांद का सपना बचपन में देखा और उस चांद को वहां से मोड़ के अपनी गली के किसी घर में ढूंढने लगते हैं। सपने को बदल देना, क्यों? क्योंकि समस्याओं का सामना नहीं करना कर सकते। हमारे बात बताइए, भगवान राम जब इस धरती के ऊपर आए थे, भगवान थे वो, भगवान राम इस धरती पे जब आए थे तो क्या उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? जब वो राजा बनने वाले थे, एक रात पहले आदेश आता है कि जाओ 14 साल के वनवास के लिए, जाओ 14 साल के वनवास के लिए। हम होते हैं भगवान राम की जगह तो क्या करते हैं? ये कोई बात होती है? हम तो दशरथ का गला ही पकड़ लेते साहिब, बोले तुमने राजा बनाने का बोला था और दशरथ जो वादा करते हैं वो पूरा करना होता है तो हम राजा बना, हम काहे को वनवास जाए। राम ने ऐसा नहीं बोला, बोला ठीक है जा रहे हैं। बोले कपड़े भी राजा वालों को नहीं पहनोगे? ठीक है नहीं पहनेंगे। राधा प्रेम ऐसा कि बोला ये पद पादुका साथ मेरे को चाहिए, खुलवा दी। बेहतर 14 साल वनवास के लिए निकले, जंगल में लफड़ा हो गया, रावण सीता को उठा के ले गया, उससे निपटते हुए फिरे वापस घर पे आए तो धोबी का लफड़ा हो गया। हे राम कितनी प्रॉब्लम, धोबी का लफड़ा सहटाया तो लवकुश का लफड़ा हो गया। कितनी बड़ी समस्या थी, कितनी बड़ी समस्या है हमारी जिंदगी में तो नहीं है ना? हमारी क्या लाइफ में प्रॉब्लम है? हमारी क्या प्रॉब्लम आती है जब हम कोई चीज करने जाते हैं? देरा ने ये कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, ताऊ ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया। मेरा जो ये दोस्त है ना ये मेरे को मैसेज नहीं करता, मेरे को बर्थडे विश नहीं किया इसने। मेरी जो सहेली है ना वो दाल की सब्जी लेके आई थी, मैं जो है आलू की सब्जी लाई थी, उसने मुझे पूछा कि वो दाल खाएगी आलू खाएगी। हमारी ये प्रॉब्लम है। भगवान राम की प्रॉब्लम देखिए और हमारी प्रॉब्लम देखिए, भगवान कृष्ण की प्रॉब्लम देखिए। सबका मामा जान के पीछे पड़ गया था, हमारा मामा तो जान के पीछे नहीं पड़ा ना बेटा। तो कितनी मुश्किलें थी उनकी जिंदगी के अंदर। क्या हमारे अपने हथियार डाले? हम बहुत आसानी से हथियार डाल देते हैं। याद रखिएगा इस जिंदगी में, इस संसार में जितने भी महान लोग बने हुए हैं, जिन्होंने महान महान काम किए, बड़े बड़े काम किए हैं, वो हर किसी ने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। बिना मुश्किलों का सामना किए हुए कोई महान आदमी नहीं बन सकता। तो मुश्किलें तो आएगी और उसको ओवरकम करेंगे तभी शायद हम उस मुश्किलों का सामना करने के बाद में अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। मैं छोटे से वाक्यांश के साथ में एक सारांश के साथ एक बहुत ही मजेदार किस्सा है उसके साथ में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत ही शानदार जानदार स्टोरी है, आप सबको बहुत मजा आएगा। आप यहाँ पे आए हैं तो शायद कुछ लेके जाइएगा कि कोई आदमी सपना देखे, समस्या सामने आती है और वो रुक जाए या ओवरकम करने का तरीका क्या रहता है। आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा,